हम लोग सॉल स्टेट पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड एग्जाम में तो ऐड हुआ ना सी बोर्ड में अभी ठीक है ना और नेट एग्ज़ाम हो गया मेंस हो गया ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है थ्योरी को भी और आ, सारा चीज़ न्यूमेरिकल भी है सब चीज़ एकदम बढ़िया से और एकदम क्लियर रहेगा कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है सबसे पहले सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन तो तुम लोग जानते हो कि सॉलिड किसको बोलते हैं तो सॉलिड किसको बोलते हैं जिसका डिफिनिट uh, शेप होता है और डिफिनेट वॉल्यूम होता है ठीक है ना इसका फीचर्स सॉलिड का फीचर्स वेरी रेजेड डेंसिटी हाई होता है इनकम्प्रेसिबल होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका क्या होता है ज़्यादा होता है वेरी स्लो रेट ऑफ़ डिफ्यूजन तो बोलते हैं ना कि गोल्ड के साथ सिल्वर नहीं रखने के लिए उसमें भी डिफ्यूज़न होता है पर उसका रेट क्या होता है बहुत स्लो होता है ठीक है अब इसमें है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में सबसे छोटा पार्टिकल्स पढ़ना कि क्या होता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में सबसे छोटा पार्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहता है या तो एटम्स होता है यानी तो मॉलिक्यूल्स होता है यानी तो आयंस होता है ठीक है तो चैप्टर मेरा यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है ठीक अब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ हम कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स के हिसाब से पढ़ेंगे कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स तो बताए थे ना एटम्स बताए थे मॉलिकुल्स बताए थे और क्या बताए थे आयंस बताए थे ठीक है ना इसमें सबसे पहला पढ़ना है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया डायमंड ग्रेफाइट सिलिकन सिलिकन कार्बाइड क्वारच एस आई ओ टू बोरो नाइट्राइट थोड़ा एक्जाम्पल एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है ना कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या बताया डायमंड बताया ग्रेफाइट बताया सिलिकन सिलिकन कार्बाइड क्वार्च होगी

कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो थोड़ा ध्यान से कोवेलेंट सॉलिड में कीवर्ड क्या खोजना है कोवेलेंट सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होगा एटम्स होगा और कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड होगा और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है ठीक है मॉलिकुलर सॉलिड ठीक है मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल मालिकुल वर्ड से ही तो लगता है क्या मोलिकूल्स होगा सॉलिड आई टू सोलिड एच टू सॉलिड सी ओ टू सॉलिड सी ओ टू को हम लोग क्या बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड एच टू और सोलड एच टू को क्या बोलते हैं आइस बोलते हैं एस ओ टू हो गया एस सी एल हो गया ठीक तो है तो इसका कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स मालिकुलर सॉलिड है तो मोलिकुलर सॉलिड का कॉन्टीटेंट पार्टिकल्स क्या होगा मॉलिकुल्स होगा ठीक है इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है थ्री टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड होता है एक नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होता है एक पोलर मालिकुलर सॉलिड होता है और थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड तो थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है ना तो नॉन पोलर और पोलर जो है ना केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड जाते हैं ठीक है ना तो नॉन पोलर और पोलर के लिए डायपोल मोमेंट है डायपोल मोमेंट बताए थे वेक्टर क्वान्टिटी है हेड और टेल है ठीक है ना हेड किधर होता है नेगेटिव की तरफ और टेल किधर होता है पॉजिटिव की तरफ नॉन पोलर के लिए और हम लोग का एक चीज है कि सिमिलर होना चाहिए जैसे आई हो गया एच हो गया सी हो गया ये सब क्या हो गया नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो गया ठीक है तो डैपल मोमेंट जिसका इक्वल टू जीरो होगा वो क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा जिसका डैपल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या जानते हैं तीन ही एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है याद रखना एनो एफ वर्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या है फ्लोरिन ये तीन एलिमेंट्स ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो पोलर और नॉन पोलर हम लोग समझ गए पोलर हो गया जिसका डैपल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो और नॉन पोलर क्या हो जाएगा जिसका डैपल मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे नॉन पोलर्स ऐसे भी पहचानते हैं दोनों जो एलिमेंट्स होता है ना वो दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए जैसे देखो I2 हो गया Cl2 हो गया H2 हो गया ये सब क्या है सिमिलर एलिमेंट्स इससे भी हम लोग है ना नॉन पोलर के बारे में पहचानते हैं तो थोड़ा इसमें ना फोर्स के बारे में हम बताते हैं फोर्स जो है ये तुम लोग को क्या कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना था कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है उसमें जो फोर्स लगता है वो लंदन फोर्स लगता है लंदन फोर्स को वीक डिस्पर्जल फोर्स भी बोलते हैं तो थोड़ा फोर्स के बारे में समझते जैसे ये सपोज दो हाइड्रोजन एलिमेंट है दोनों हाइड्रोजन है ठीक है ना अब दोनों में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना क्लाउड की तरह होता है बादल की तरह कभी कुछ मोशन के कारण इसका बादल डिस्टर्ब हो गया ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था पर मोशन के कारण क्या हो गया अनसिमेट्रिकल हो गया तो जो पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा जिस पार्ट में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पर जो डायपोल क्रिएट हुआ उसको बोलते इंस्टेंटेनियस डायपोल ठीक है ना कुछ समय के लिए क्रिएट हुआ इसलिए इसका नाम क्या पड़ा इंस्टेंटेनियस डायपोल नाम पड़ा ठीक है अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ये बगल वाले को क्या करेगा पॉजिटिव कर देगा ठीक है तो इस पर कौन ये इंड्यूस किया डायपोल तो इसमें कौन सा हो गया डायपोल इंड्यूस डायपोल तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको लंदन डिस्पोजन फोर्स बोलते हैं ठीक है ना या डिस्पोजन फोर्स बोलो या लंदन फोर्स बोलो ठीक है क्लियर है तो सिमिलर एलिमेंट के बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया ठीक है स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट था अब सेकेंड पार्ट आ जाओ पोलर मोलिकुलर सॉलिड पोलर मोलिकुलर सॉलिड बताए जिसका डैपल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो जैसे एसो है ना ये एसो ठीक है ना एसो का ये शेप होता है ना ये शेप तुम्हारा ठीक है तो यहाँ पे जो हम लोग लोन पेयर देते हैं अब इसका जो अगर तुम डैपोल मोमेंट इसका ड्रॉ करोगे तो क्या था नेगेटिव पार्ट हेड और टेल बनाते हैं ठीक है ना तो इसका जब हेड और टेल बनाएंगे तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो एस ओ टू हो गया एच टू ओ हो गया तो ये सब क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो तो ये सब क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा पोलर में कौन सा फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ठीक है ना स्ट्रॉन्ग डापोल डापोल इंटरेक्शन हुआ तो स्ट्रॉन्ग डापोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे जैसे एच सी एल है तो ठीक है ना ये क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर एक और इधर एच सी एल है तो ये एच के ऊपर क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव और ये सी एल के ऊपर क्या चार्ज आ गया नेगेटिव तो ये क्लोरीन का नेगेटिव पार्ट एच के पॉजिटिव पार्ट को जो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके बीच का जो फोर्स है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डापोल डैपोल इंटरेक्शन बोलते हैं क्लियर है अब आ जाओ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम तुम लोग को बता रहे हैं कि तीन ही एलिमेंट बनाता है ठीक है ना तीन ही एलिमेंट्स बनाता है कौन सा तीन एलिमेंट्स बस दिमाग में याद रखना एनो एफ वर्ट एनओ एफ वर्ट क्या हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या है फ्लोरीन यही तीन एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ठीक है और इसके साथ तो हाइड्रोजन रहेगा तो देखो ना एग्जाम्पल दे दिए एच एफ दे दिए एच टू दे दिए और क्या दे दिए एन एच थ्री दे दिए ये तीन एग्जाम्पल हो गया ठीक है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से देते हैं उसका क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया फोर्स बैड कंडक्टर है तीनों बैड कंडक्टर है नेक्स्ट है ये सॉफ्ट है मॉलिकुलर सॉलिड सॉफ्ट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है तो थोड़ा मोलिकुलर सॉलिड को डिटेल में पढ़ना तो फिर से हम एक बार बोल दे रहे मोलिकुलर सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा मॉलिकुल्स होगा क्लियर है दिमाग में ठीक है थ्री टाइप्स है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर और पोलर डॉपोल मोमेंट ठीक है ना डापल मूवमेंट के बारे में सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताए थे हेड और टेल बनाना है हेड तुम्हारा नेगेटिव है टेल क्या है पॉजिटिव है जिसका डापल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो नॉन पोलर होगा जिसका डापल मोमेंट इक्वल टू जीरो होगा वो पोलर होगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड तीन ही एलिमेंट बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरी नॉन पोलर में तुम लोग को याद रखना है लंदन डिस्पोजल फोर्स लंदन फोर्स यानी तो वीक डिस्पोजल फोर्स और पोलर में याद रखना है क्या डेपोल डैपोल इंटरेक्शन और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड का बात आ गया तो तुम लोग तो जानते हो एनओएफ जो एग्जाम्पल हम बताए अमोनिया एक हो गया एक वाटर हो गया और एक एच हो गया तो इसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया ठीक है ना ये सॉफ्ट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है ठीक अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड में मूव करेंगे थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड जो है तुम्हारा आयनिक सॉलिड है आयनिक सॉलिड तो और क्लियर आयनिक सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होगा आयंस होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैटायंस एंड एनायंस और आयनिक सॉलिड का क्या हो जाएगा जैसे के प्लस है और क्या है सी एल माइनस है तो एक कैटायन होगा दूसरा क्या होगा एनायन होगा ठीक है ना आयंस जो होगा उसमें कौन सा आयनिक सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और थ्री डी फिगर बनाता है थ्री डायमेंशनल फिगर बनाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है ज़्यादा है और ये मालूम है ना आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होता है कब जब सॉलिड स्टेट में रहता है ठीक है ना और गुड कंडक्टर कब होगा जब फ्यूज स्टेट या मॉल्टन स्टेट या इन सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ठीक है फोर्थ टाइप में आ जाओ मेटालिक सॉलिड मेटालिक सॉलिड हो गया कॉपर जिंक आयरन जितना भी मेटल्स हो गया वो क्या हो जाएगा मेटालिक सॉलिड हो जाएगा ठीक है और जानते हैं एस और डी ब्लॉक का जितना है वो सब क्या है मेटल्स है और सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी क्या है मेटल्स है ठीक है ना तो ये हो गया तुम्हारा मेटालिक सॉलिड ठीक है अब आ जाओ मेटालिक सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होगा मेटालिक आइटम्स होगा और अगर मेटल में देखते हैं ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूव करते रहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन मोबाइल में होता है मूविंग पॉजिटिव आयन एम्बेडेड होता है इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में ठीक है ना और मेटल metal में मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा मेटालिक बॉन्ड होगा तो मेटालिक आइटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड एंड फॉर्म थ्री डायमेंशनल फिगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सबको पता है पर यहां थोड़ा सा ध्यान से देख लेना हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका ज्यादा होता है मॉलिकुलर सॉलिड से पर आयनिक सॉलिड से इसका क्या होता है कम होता है तो ये थोड़ा नोट देने का बात है ठीक है नोट करना है इसको अब हार्डनेस में आ जाओ ठीक है ना हार्डनेस के बारे में है ना हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम हार्डनेस दिए तो सबसे कम हार्ड कौन है मोलिकुलर सॉलिड है उसके बाद क्या है मेटालिक सॉलिड है उसके बाद क्या आयनिक सॉलिड है सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा सॉलिड है कोवेलेंट सॉलिड है ठीक है अब तुम लोग को क्यों बोल रहे हैं कि थ्योरी पार्ट भी अच्छे से पढ़ना और सारा एग्जाम्पल को भी दिमाग में क्लियर रखना है तो जैसे देखो हम स्टार्टिंग में कोवेलेंट सॉलिड बताए थे कोवेलेंट सॉलिड सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या था एटम्स था और उसका कीवर्ड करना कोवेलेंट सॉलिड का बॉन्ड क्या था कोवेलेंट बॉन्ड था याद रहेगा एग्जाम्पल बताए थे सिलकन सिलिकन कार्बाइड था डायमंड था ग्रेफाइट था ठीक है ना बोडो नाइट्राइड था ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है ठीक है ना वो एक्सेप्शन केस है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है मॉलिकुलर सॉलिड मॉिकुल्स I2, P4, पी फोर ये सब क्या है मोलिकुलर सॉलिड है मेटालिक में जितना भी मेटल्स हो गया और आयनिक सॉलिड में क्या होगा एक कैटाइन होगा और दूसरा क्या होगा एनआइन होगा ठीक है ये देखो आई टी में टू थाउजेंड थर्टीन का आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ए कोवेलेंट इन क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट तो देखो पहला जो है ये क्या कहते हैं हम बताए ना कि हम तुम लोग के साथ ही बनाएंगे ठीक है ना तो तुम लोग भी ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो पहला जो ऑप्शन है पूछ रहा है कि कोवेलेंट सॉलिड कौन सा है ठीक है ना पहला जो ऑप्शन है वो मेरा सल्फर है दूसरा ऑप्शन देखो पहला सल्फर दूसरा क्या है फॉस्फोरस तीसरा क्या है आयोडीन और फोर्थ क्या है सिलिकन सल्फर ए सेट ए सेट क्या हो गया मालिकुलर सॉलिड फॉस्फोरस पी फोर क्या हो गया मोलिकुलर सॉलिड आई टू बताए थे क्या था मोलिकुलर सॉलिड और सिलीकन सिलिकन क्या था कोवेलेंट सॉलिड ठीक है ना फर्स्ट पेज में बताए थे तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा सिलिकन ठीक है तो ये भी जब देखे तो बहुत अच्छा लगा कि चलो इतने दिन से पढ़ा रहे थे एग्जाम्पल भी आ गया तो हम बता रहे हैं कि हाँ थ्योरी अच्छे से करना है ठीक है चलो अब ये हम तुम लोग के साथ इसको सॉल्व करेंगे ठीक क्वेश्चन है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आइनिक नेटवर्क नेटवर्क को ही कोवेलेंट बोलते हैं मॉलिकुलर और मेटालिक सॉलिड ठीक है तो सबसे पहले क्या है एस एन एस एन टीन टीन कौन सा सॉलिड हो जाएगा मेटालिक सॉलिड हो जाएगा टीन क्या है मेटल है ना तो ये कौन सा सॉलिड हो गया मेटालिक हो गया फर्स्ट अब चलो सेकेंड में आ जाओ सेकेंड में क्या है एस एड एसेड क्या हो जाएगा मॉलिकुल्स ना तो ये कौन सा सॉलिड हो जाएगा एसेड मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा ठीक है हो गया चलो अब एस आई ओ टू एस आई ओ टू बताए थे ठीक है ना ये कौन सा हो जाएगा कोवेलेंट कौन सा सॉलिड हो जाएगा कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा अब आ जाओ एन ए टू एस ओ फोर एने टू एस ओ फोर मतलब एने के ऊपर क्या चार्ज है प्लस चार्ज और एसओ फोर के ऊपर क्या चार्ज है टू माइनस तो एने टू एस ओ फोर कौन सा सॉलिड हो जाएगा खुद ही बताओ एक प्लस और एक माइनस कौन सा हो गया आयनिक सॉलिड कौन सा सॉलिड हो गया आयनिक सॉलिड ठीक है नापथलिन नापथलिन बॉस जो रखते हैं हम लोग ठीक है ना तो ये नापथलिन का फॉर्मूला क्या था सी टेन एच एट कौन सा सॉलिड हो गया ये भी मॉलिकुलर सॉलिड कौन सा सॉलिड हो गया मॉलिकुलर सॉलिड हो गया ठीक है ना नैप्थलीन बेंजीन ये सब क्या है मॉलिकुलर सॉलिड ग्लूकोज ग्लूकोज भी कौन सा सॉलिड हो गया मॉलिकुलर सॉलिड सी सिक्स एस टूल ओ सिक्स कौन सा सॉलिड हो गया मॉलिकुलर सॉलिड पी फोर पी फोर भी क्या है मॉलिकुलर सॉलिड है ठीक है सिलिकन आ जाओ सिलिकन बताए थे ना सिलिकन अभी तो तुरंत क्वेश्चन किए सिलिकन कोवेलेंट सॉलिड सिलिकन क्या है कोवेलेंट सॉलिड है सिलिकन कार्बाइड ये भी क्या है कोवेलेंट सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या है कोवेलेंट सॉलिड हो गया ठीक है ना कार्बोरेंडम फर्स्ट पेज में बताए हुए हैं सिल्वर ए जी सिल्वर कौन सा सॉलिड हो जाएगा मेटालिक मेटल Metal है ना तो कौन सा सॉलिड हो गया मेटालिक सॉलिड हो गया ठीक है तो क्लियर है फोर्थ तरह का सॉलिड क्या क्या कोवेलेंट कोवेलेंट को नेटवर्क भी बोलते हैं मॉलिकुलर आयनिक और क्या है मेटालिक ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सेकेंड uh, तरह का क्लासिफिकेशन है फर्स्ट जो रोमन लेटर था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या था एटम्स था मॉलिकूल्स था आयंस था ठीक है ना ये सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है ठीक है ना स्ट्रक्चर के हिसाब से पहला ट्रू सॉलिड ट्रू सॉलिड को ही क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं और इसी को लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं तीनों एक ही नाम है ट्रू सॉलिड को ही क्रिस्टलाइन लाइन सॉलिड उसी को क्या बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ़ फ्यूजन भी डिफिनेट होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कहने का मतलब क्या? अप टू लॉन्ग रेंज एटम्स और सिमिलर अरेंजमेंट, ठीक है ना बहुत अच्छे तरीके से अरेंज है जैसे एन ए प्लस है सी एल माइनस है अरेंज वे में है तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड ठीक है ना तो तीन चीज़ याद रखना डिफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन किसको बोलते हैं मालूम है ना फ्यूजन फ्यूज में पड़े थे हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में जाना ठीक है ना उसको क्या बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं ठीक है ना वो भी डेफिनेट होता है और सिमिलर अरेंजमेंट्स वो करता है अप टू लॉन्ग रेंज इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड ठीक है अब आ जाओ इसी का अपोजिट कर दो ना तो ट्रू सॉलिड का ट्रू का उल्टा क्या होगा सूडो सॉलिड सूडो से तो जानता ना फॉर सूडोपोडिया पढ़ा फोर्स पढ़ा ठीक है ना और सूडो सॉलिड को ही क्या बोलते हैं मॉर्फस सॉलिड और इसी को क्या बोलते हैं ऑर्ट्रेंच ऑर्डर सॉलिड होता है तो जो मेरा फर्स्ट था ना ट्रू सॉलिड ट्रू सॉलिड में वो फोर्थ तरह का सॉलिड आ गया मॉलिकुलर आयनिक, मेटालिक ठीक है ना और कोवेलेंट आ गया सूडो सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया ग्लास रबर प्लास्टिक ठीक है ना ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया सूडो सॉलिड का हो गया जितना भी हम ट्रू सॉलिड में पढ़े उसी को क्या करेंगे अपोजिट कर दो उसको ठीक है ना तो डेफिनेट था ना तो इसमें क्या हो जाएगा इनडेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसमें क्या आ गया इनडेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया देर मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन क्या है इनडेफिनेट है उसमें क्या बताए थे कि सिमिलर अरेंजमेंट है अप टू लॉन्ग रेंज इसमें क्या बता रहे हैं एटम डू नॉट सो रिपीटेटिव अरेंजमेंट सो दे आर नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड ठीक है तो यह गया ट्रू सॉलिड और क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड और क्या कहते हैं सूडो सॉलिड के बारे में ठीक है अब क्वेश्चन रहेगा क्रिस्टलाइन और इमार्फस सॉलिड हम लोग को खोजना रहेगा तो एक ट्रिक्स है ट्रिक्स किसको बोलते हैं ज्यादातर पे काम चल जाना तो ट्रिक्स ही जैसा इसको यूज करना और बच्चा लोग आराम से इसे क्वेश्चन बना लेता है तो ट्रिक्स जरा थोड़ा ध्यान से समझना ट्रिक्स बता रहे कि जिसका फॉर्मुला मुंह से बोलेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जिसका नहीं बोलेंगे वो इमार्फस सॉलिड होगा कहने का मतलब है कि अगर हम तुमसे कॉपर बोल रहे हैं तो तुम लोग तुरंत बोलोगे ना सी ओ टेफलन बोलेंगे फॉर्मूला होता है टेफलन का पर सोच में थोड़ा पड़ जाएंगे ठीक है ना अचानक मुँह से नहीं निकलेगा पॉली थिन बोलेंगे तो आराम से हम लोग नहीं ना उसको बोल सकते ग्लास प्लास्टिक रबर तो ये सब कौन सा जितना भी पॉलीमर्स हुआ ठीक है ना वो सब क्या हो जाएगा मॉर्फर्स सॉलिड हो जाएगा अगर हम तुमसे पोटासियम क्लोराइड बोल रहे हैं तो तुम लोग केसीएल बोल दोगे ठीक है तो ये सब कौन सा सॉलिड हो जा रहा है ट्रू सॉलिड हो जा रहा है बेंजीन अगर हम बोल दे रहे तो सी सिक्स एच एच सिक्स बोल दोगे नैप्थलीन बोलेंगे तो सी टेन एच एट बोलोगे इथानोईक एसिड बोलेंगे तो सी एच थ्री सीओ एच बोल दोगे ठीक है ना पर प्लास्टिक रबर ग्लास ये सब के फॉर्मला में सोच में पड़ जाओगे तो जिसका फॉर्मुला मुंह से तुरंत बोल दे रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो क्वेश्चन करके थोड़ा सा देखते हैं देखो ये ट्रिक्स काम आता है कि नहीं ठीक है तो देखते हैं चलो मेरे साथ ही बना रहा है इसको तो क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक है ना एमोर्फस और क्रिस्टलाइन खोजना है तो ध्यान से आ जाओ ये इंटेक्स एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है पॉली बोल पाएंगे फॉर्मूला पॉली यूडिथिन सोच में पड़ गए एमॉर्फस सॉलिड कौन सा सॉलिड हो गया एमॉर्फस सॉलिड नैप्थलिन नैप्थलिन तो हमें बताए थे सी टेन एच एट तो ये कौन सा सॉलिड हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड बेंजोइक एसिड ठीक है ना तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या था सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच होता है ना बेंजोइक एसिड तो ये कौन सा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया टेफलन टेफलन सोच में पड़ जाएंगे टेफलन ठीक है ना ऐसे तो पॉलीमर से उसका तो फॉर्मला है आगे लेकिन टिफलन तो थोड़ा सोचेंगे ना टिफलन तुरंत अचानक तो बोल भी नहीं पाएंगे तो टिफलन क्या है कौन सा सॉलिड हो गया एमॉर्फस सॉलिड हो गया पोटासियम नाइट्रेट पोटासम नाइट्रेट तो बोल दोगे ना के एन ओ थ्री पोटासम नाइट्रेट के एन ओ थ्री ठीक है ना तो ये कौन सा हो जाएगा क्रिस्टलाइन कौन सा सॉलिड हो गया ये पोटासियम नाइट्राइड क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया सेलोफेन सोच में पड़ गया ना एमॉर्फस सॉलिड सेलोफेन कौन सा हो गया एमॉर्फस सॉलिड पॉलीविनाइल क्लोराइड जितना भी पॉलीमर्स है क्या है वो एमॉर्फस है तो पॉलीफिनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड हो गया फाइबर क्लास सोच में पड़ गए एमॉर्फस सॉलिड कॉपर तुरंत बोलोगे ना सी यू तो कौन सा सॉलिड हो गया कॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया ठीक है ना तो ये जो क्लास है ना मेरा फर्स्ट क्लास इसमें हम लोग पढ़ें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़े हैं ठीक है ना अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आज हम लोग कंप्लीट के क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड फोर तरह का सॉलिड पढ़े हैं कोवेलेंट पढ़े हैं मॉलिकुलर पढ़े हैं आयनिक पढ़े हैं मेटालिक पढ़े हैं और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर से हम लोग क्या पढ़े हैं क्रिस्टलाइन और एमोरफस पढ़े हैं ठीक है ना हम बार बार बोल रहे हैं कि थ्योरी पार्ट को भी हम लोग को बहुत अच्छे से इसको करना है ठीक है ना इसमें नोमेरिकल भी है उसको भी हम लोग बनाएंगे एकदम क्लियर रहेगा आराम से तुम लोग सारा क्वेश्चन बना लोगे ठीक है